أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज हम पढ़ेंगे ये दुआ लिखी होती है ख़त्मुल कुरान, कि मतलब कुरान पाक कंप्लीट हो जाए तब लोग ये पढ़ते नहीं। जब हमें रोज़ कुरान पाक पढ़ना है, हमने तिलावत करनी है, तो उसके बाद हमने ये दुआ ज़रूर पढ़नी है। तो आज मैं ये दुआ पढ़ूंगी और इसका तर्जमा भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो बहुत खूबसूरत तर्जमा है ताकि आपको समझ आ जाए ये दुआ है क्या। اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين। अब इसका जो तर्जमा है ना, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि इसका तर्जमा है क्या। ये है इसका, ऐ अल्लाह मुझसे मेरी कब्र की वहशत दूर फरमा, ऐ अल्लाह मुझ पर अजमत वाले कुरान के ज़रिए रहम फरमा और इसको मेरे लिए मुक्तदा और नूर और हदायत और रहमत बना। ऐ अल्लाह इसके अंदर जो मैं भूल गया हूँ वो मुझे याद दिला और जो मुझे मालूम हो वो मुझे सिखा दे और इसकी तिलावत दिन और रात करने की मुझे तौफीक अता फरमा, इसको मेरे लिए दलील बना, ऐ सब जहानों के पालने वाले आमीन या रब्बल आलमीन। ये दुआ ये नहीं है कि हमने एक दफ़ा पूरा कुरान पाक कंप्लीट कर लिया उसके बाद हम पढ़े, नहीं, हम रोज़ एक पेज पढ़ रहे हैं या हम एक आयत भी पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमें ये दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए, इसको हम अपनी रोज़ की रूटीन में शामिल कर लेनी चाहिए। जज़ाकल्ला।